हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका लास्ट यूनिट है. तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? आप मेमोरी मतलब क्या समझते हैं? मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वही होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइस जहाँ पे हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं या फिर जहाँ से हम लोग कुछ डेटा ले सकते हैं. तो मेमोरी में ज्यादा साइज चाहिए होता है, ज्यादा स्पीड चाहिए होता है टू स्टोर द डेटा, एंड कॉस्ट शुड बी वेरी लेस. ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ द मेमोरी कैन बी डिटरमाइंड बाय एड्रेसिंग मोड. तो एड्रेसिंग मोड हम लोग का यूज होता है मेमोरी में टू डिटरमाइन द साइज. जैसे कि एग्जाम्पल लिया है मैंने, अगर 16 बिट सिस्टम है तो 16 बिट एड्रेस होंगे, लेकिन एड्रेस पे हिसाब के होंगे 2 to the power 16 bit. तो वो तो था मेमोरी. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी के टाइप्स, उसके हायरार्की. तो मेमोरी हायरार्की यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है. द लीस्ट पार्ट होता है, मतलब वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद आता है प्राइमरी और मेन मेमोरी, दोनों सेम है, फिर कैश मेमोरी और फिर रजिस्टर. तो ये जिस तरह से मैंने अरेंज किया है, अगर आप डाउन टू अपवर्ड जाएंगे तो आपका स्पीड एंड कॉस्ट इंक्रीज होगा. तो आपका सेकेंडरी मेमोरी का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, लेकिन मेन मेमोरी का प्राइस सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा ज्यादा होता है, कैश का और ज्यादा, रजिस्टर का हाईएस्ट कॉस्ट रहता है, और स्पीड ऑफ रजिस्टर इज ऑल्सो मच मोर देन द सेकेंडरी मेमोरी. लेकिन साइज में अगर आप चाहेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, साइज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रजिस्टर का भी रजिस्टर का साइज बहुत ही कम होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मेन मेमोरी क्या है. मैं इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूंगी सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश, वो सब. पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन मेमोरी से. तो मेन मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन. कंप्यूटर ऑपरेशन में आप जो भी परफॉर्म करते हैं, अगर आप एक गाना बजाते हैं या फिर कुछ कोड रन करते हैं, तो वो सारा एक्चुअली रन होता है आपका मेन मेमोरी में. ठीक है, और मेन मेमोरी में वो रन भी होता है और उसका आउटपुट भी स्टोर होता है. इट इज अदरवाइज नोन एज सेमी कंडक्टर मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे सेमी कंडक्टर टेक्निक यूज होते हैं, और मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर. तो ये अभी हम लोग इसका पार्ट्स देखेंगे, मतलब इसके कितने टाइप्स हैं मेन मेमोरी के. सेमीकंडक्टर और मेन मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, दैट इज रैम एंड रोम. दैट इज रीड ओनली मेमोरी एंड सॉरी फॉर सेमीकंडक्टर और मेन मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, रैम एंड रोम. दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. और फिर रैम इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस. रोम इज ऑफ फोर टाइप, दैट इज पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम एंड फ्लैश. तो ये जो डिटेल है हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे, रैम क्या है, रोम क्या है और कैश क्या है. बस आपको ये टाइप्स याद रखने हैं ऑफ मेन मेमोरी.